गाइस, साइकस रेवोल्यूटा जिसको सागोपाम भी कहते हैं, यह एक बहुत ही खूबसूरत होम डेकोरेटेड प्लांट है। यह जापान का नेटिव प्लांट है और ज़्यादातर इस पौधे को आपने किसी न किसी पार्क में देखा ही होगा। इस पौधे की ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। ये लगभग 8 साल का पौधा है जिसको हमने नीचे मिट्टी में लगा रखा है और इसमें कुछ नए बेबी प्लांट्स भी आ रहे हैं, ये देखिए, जिसमें लगभग 4-5 महीने का टाइम लग जाएगा। तो हम इसको फिर रिपोर्ट कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे किसी और पॉली बैग में, तो वहाँ पे हमारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो गाइस, जो इन पौधों के जो नए पत्ते हैं वो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। हालांकि पौधे की ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, लेकिन इनमें जो पत्ते आते हैं नए, वो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। इसका मेन कारण है कि यह एक कुदरत की तरफ से तोहफा है इस प्लांट को। जो इसके नए पत्ते होते हैं वो काफ़ी नरम होते हैं और कोई भी जानवर उनको खा सकता है। तो अपने आप को बचाने के लिए पौधा अपने पत्तों की ग्रोथ काफ़ी जल्दी कर देता है। इवन 1 महीने में ही इनके पत्ते बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो अब ये काफ़ी हार्ड हैं और थोड़े नुकीले भी हैं, ऐसे में कोई भी जानवर इनको खाना पसंद नहीं करता। तो गाइस, जिस पौधे की मैं आपको एक ग्रोथ दिखाता हूँ कि कितने दिनों में ये पौधा अपने नए पत्ते जो है विकसित कर लेता है। आज है अप्रैल की 29 तारीख और देखिए, नए पत्तों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लगभग 1 महीना आगे पीछे हो सकता है। आज है मई की 1 तारीख और देखिए, नए पत्तों की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आज है मई की 3 तारीख और दिन प्रतिदिन सागोपाम के नए पत्तों की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। आज है मई की 5 तारीख और नए पत्तों का खुलना शुरू हो चुका है। आज है मई की 7 तारीख और देखिए, सागोपाम का कितना अच्छा फॉलेज नज़र आ रहा है। आज है मई की 10 तारीख और देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं नए पत्ते, काफ़ी अच्छा फॉलेज नज़र आ रहा है इनका और कुछ ही दिन में पूरी तरह से खिल जाएंगे। फाइनली आज है मई की 18 तारीख और सागोपाम के पत्तों की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। तो अगर आप मॉइस्चर और इसमें फर्टिलाइज़र का सही ध्यान रखोगे तो पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो हमने इस पौधे को नीचे लगा रखा है, जड़ें काफ़ी फैल चुकी है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। सो गाइस, आज है जून की 12 तारीख और इस पौधे की जो नई पत्तियाँ हैं और पुरानी पत्तियाँ भी लगभग एक जैसी ही है, काफ़ी हार्ड हो चुकी है। और इस पौधे की अगर हम केयर की बात करें तो अगर आपने अपने पौधे को किसी पॉट में लगा रखा है तो कोशिश करें कि इसको बड़े पॉट में लगाएं। तो देखिए, शुरुआत से ही हमने इस पौधे को नीचे मिट्टी में लगा रखा है, तो ऐसे में क्या फ़ायदा होता है कि इसकी जड़ें काफ़ी फैल चुकी है और नमी को ये ज़्यादातर अपने आप ही एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ऐसे में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। साल में एक बार आप इसमें गोबर खाद या फिर किचन कंपोस्ट जरूर मिक्स करें और इसकी नमी को बनाए रखें, तभी इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। और ये पौधा आपको किसी न किसी नर्सरी में इजीली मिल जाएगा। वैसे तो काफ़ी कॉस्टली होता है ये पौधा, साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसका प्राइस फिक्स होता है। तो इसको आप बेबी प्लांट से भी लगा सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे कुछ बेबी प्लांट्स आ रहे हैं इसमें, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको ट्रांसप्लांट करने में, तो उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो गाइस, इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।